पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष दीपक कुमार अग्रवाल सर्राफ गणपति ज्वेलर्स को जिलाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर गंज बाजार सर्राफा कमेटी के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हार मालाएं पहनाकर और मिठाई वितरण कर जिलाध्यक्ष को शुभकामनाएं दी गयी। व्यापार मंडल के लिए सदैव एकजुट होकर सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। गंज बाजार के सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने अपने भाई दीपक कुमार अग्रवाल को तन मन धन से सहयोग करने का आश्वासन दिया। कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारी बंधुओं के हित में कार्य करने को लेकर एकजुट रहने का भी आश्वासन दिया गया। स्वागत में मुख्य रूप से सुरेश अग्रवाल, महेश अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, आविष्कार सिंघल, अनुज अग्रवाल, अंकुर गोयल, जयशंकर, प्रदीप कुमार शंकर, कुलदीप कुमार, अंशुल अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, राजू सहगल, अनिल सहगल, जयदेव यादव के साथ और भी व्यापार कमेटी से जुड़े हुए पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता, साथ ही सर्राफा कमेटी से जुड़े कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। हम बहुत सारे विषयों पर कार्य कर रहे हैं, उसमें कई विषय तो देखिए ऐसे हैं जिसमें एक जीएसटी भी आता है और उसमें एक रेडीमेड कपड़े का व्यापार भी आता है और उसके अंदर सर्राफा ट्रेड भी आता है। तो इन सर्राफा ट्रेड पे और रेडीमेड कपड़े पे और जीएसटी पे, सर्राफा का जो ट्रेड है सर्राफा व्यापारियों का, ये उसमें जीएसटी की दर 3% है। गवर्नमेंट का प्रपोजल ये है कि उसको 5% करने जा रही है और जो रेडीमेड कपड़े पे स्टैम्प वर्तमान दर जो है वो 5% वो सरकार 12% करने जा रही है और जीएसटी में और बहुत सारी कमियां है, उस पर भी हम कार्य करेंगे। कुछ और कुछ ऐसे ट्रेड भी है जैसे सर्राफा ट्रेड है जिसमें बहुत सारी कटियां हैं हमारे ट्रेड में जो नई नई डेवलप हुई है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और साथियों को और व्यापारियों को और साथ लेकर चलने के लिए कोई रणनीति आप तैयार करें? देखिए आज का जो सम्मान हमारा जो करा गया है वो गंज बाजार की जो सर्राफा कमेटी है उसके अध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल जी एवं उनके कार्यकारिणी के सदस्य एवं समस्त व्यापारी सदस्य उन लोगों के द्वारा आज हमारा स्वागत समस्त किया गया है। तो सब व्यापारी जितने भी हमारे गंज के हैं, गंज गुरट्टी से लेकर और नीम की चौथ तक के व्यापारी हमारे साथ 24 घंटे के लिए कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। कोई अपील करना चाहेंगे व्यापारी? अपील मैं ये करना चाहूंगा, एक आम व्यापारियों के लिए करूंगा मैं अपील कि व्यापारियों से मेरा ये निवेदन है कि व्यापारी अपना जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो अनरजिस्टर्ड व्यापारी हैं मैं उनके लिए ये निवेदन करता हूं उनसे कि वो जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने से आप उसको समझें और समझने के बाद उसको आप अपना अपना मन बनाए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लें। उन टीम के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने? बिल्कुल, मैं मुख्य रूप से तो नीरज अग्रवाल जी का आभार व्यक्त करने जाऊंगा और साथ में हमारे महामंत्री जो है श्री सरमन अग्रवाल जी का मैं करना चाहूंगा और हमारे बहुत जल्दी एक सम्मानित व्यक्ति हैं जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं जिनका नाम लंकेश है, मैं उनका भी आभारी रहूंगा। इन्होंने भी बहुत सहयोग करा है आज हमारा सम्मान करने के लिए और मेरे साथ जयदेव यादव जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी हमारा बहुत सम्मान किया है और इन्होंने भूखे देखे हमारा सम्मान करा है। हमारे साथ ये हमारे छोटा भाई बैठा है हमारा अंशुल अग्रवाल, इसने भी हमें तहे दिल से हमारा स्वागत किया है। मैं जयदेव यादव, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश का जिला प्रभारी। क्या कार्यक्रम था वहाँ? आज बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश के लोकेश अग्रवाल जी के द्वारा दीपक कुमार सर्राफ जी का यहाँ पर हमने जिला अध्यक्ष घोषित किया है। उनको कल मेरठ में मनोनीत पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन करके उनको जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। किस तरह की उम्मीदें रखते हैं संगठन को चलाने के लिए? हम सभी लोग अपने संगठन के प्रति हम सबको जो संगठन की जिम्मेदारी मिली है लोकेश अग्रवाल जी ने जो हमें विश्वास हमारे में दिखाया है उनके विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं और बहुत ही अच्छा कार्य हम संगठन के लिए यहाँ पर करेंगे ताकि हमारा सारा व्यापारी एक रहे और व्यापारियों की सारी दिक्कतों को हम प्रदेश लेवल क्या हम केंद्र तक अपनी बातों को रखने में सक्षम रहे,
इतना अच्छा हम संगठन यहाँ पर बनाए। आगामी 2022 का चुनाव है, क्या व्यापारियों के लिए टिकट की मांग करेंगे? नहीं, हम अभी किसी भी राजनीति के लिए कोई भी प्रकार का बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा संगठन व्यापारी हित में है। कोई राजनीति को हम किसी को प्रेरित नहीं करते कि हम इस संगठन से है या इस राजनीति को, हम किसी के लिए कुछ अलग से नहीं करना। मेन व्यापारियों से क्या मांगे रहेंगे? हमारे व्यापारियों की मांग है कि सुरक्षा चाहिए हमारे व्यापारियों को। जो कुछ दिक्कतें GST में आ रही है, ठीक है, अब जैसे अभी हमने ज्ञापन दिया था मंडी शुल्क को लेके, जो मंडी शुल्क, जबकि हमारे को सरकार ने कहा था कि एक देश एक टैक्स होगा, लेकिन आज भी हमारे यहाँ एक देश तो है लेकिन टैक्स अनेक प्रकार के चल रहे हैं, जो जिसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि वो उनको खत्म करें और शीघ्र से शीघ्र एक देश और एक टैक्स वाली पद्धति को हमारी सरकार अपनाए। पब्लिक TV आपकी आवाज़।